बच्चों, आज हम हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 8, चलो खेलते हैं। कल मीशा का जन्मदिन था। मीशा की माँ ने घर को गुब्बारों और लड़ियों से सजाया था। माँ मीशा के लिए गेंद और बल्ला लाई थी। पिताजी ने उसे कमीज़ और जूते दिलवाए। मीशा बहुत प्रसन्न था। मीशा शाम को कमीज़ और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। सामने से काला चश्मा लगाए बंदर आ रहा था, हाथ में छड़ी लिए। लोमड़ी भी उसके साथ थी। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र, कहाँ चले? मीशा बोला, ये देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं। हाँ हाँ चलो, तीनों चल दिए। रास्ते में खरगोश और हिरन मिल गए। वे भी उनके साथ खेलने चल दिए। सब मैदान में पहुँचे, तभी हाथी और शेर भी वहाँ आ गए। हाथी बोला, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। सहायता का क्या मतलब होता है? मदद करता हूँ। उसने झटपट 3 झंडे डंडे गाड़कर विकेट बना दी। झटपट मतलब जल्दी से उसने 3 डंडे गाड़ के विकेट बना दी। खरगोश ने गेंद उठा ली और बल्ला उठाकर मीशा खेलने के तैयार हो गया। बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। खेल शुरू हुआ। खरगोश ने गेंद फेंकी, मीशा ने बल्ला घुमाया, गेंद दूर जाकर गिरी। हिरन दौड़कर गेंद उठा लाया। तब तक मीशा ने 2 रन बना लिए थे। खरगोश ने फिर गेंद फेंकी, मीशा ने बल्ला घुमाया, जोर की आवाज़ आई, चौका। चौका क्या होता है? जब 4 रन होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? चौका। चौका नहीं, आउट। बंदर हाथ में गेंद लिए पेड़ के नीचे कूद पड़ा। गेंद मैंने लपक ली है, सब हंस पड़े। अब शेर की बारी आई। हाथी ने गेंद फेंकी, शेर ने बल्ला घुमाया। अरे ये क्या, बल्ला हवा में था और गेंद विकेट कीपर लोमड़ी के हाथ में। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सूरज डूब रहा था। बड़ा मज़ा आया, कल फिर खेलेंगे, कहकर सब अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों, ये थी कहानी जिसमें जन्मदिन के बारे में बताया हुआ है। किसका जन्मदिन था? मीशा का जन्मदिन, और मीशा की माँ ने उसके लिए गुब्बारे लाए थे, घर को गुब्बारे और लड़ियों से सजाया था। माँ ने मीशा के लिए क्या लाया था? गेंद बल्ला। और पिताजी ने क्या लाया था? कमीज़ और जूते। और मीशा ने अपने जन्मदिन पे खूब मस्ती की, अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। अब आप सब भी इस पाठ को अपने अपने घर में अच्छी तरह पढ़ेंगे। धन्यवाद।